हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डॉल्फिन अपलाइन चैनल। आप सभी का खूब खूब स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो स्पेशली सॉफ्टी आइसक्रीम मशीन न्यू 2023 एडवांस डिजिटल फंक्शन वाली मशीन की वीडियो बना रहे हैं। इसकी वीडियो हमने पहले बहुत सारी डाली है, जो वर्किंग वीडियो रहती है जिसमें मटेरियल डाला जाता है, आइसक्रीम बनाया जाता है, आइसक्रीम निकाला जाता है। लेकिन आज की स्पेशल वीडियो है जिसके अंदर दोस्तों हम मशीन की खासियत बताएंगे कि 2023 मशीन में क्या क्या सिस्टम में फंक्शन है, यह मशीन के अंदर क्या क्या अपडेशन होता है, क्या क्या मशीन में सिस्टम डाला हुआ है, क्या क्या फंक्शन डाला है, जो मार्केट में मशीनें चीपर और सस्ती मशीनें मिलती है उसमें क्या चीज नहीं होता है, जो हमारी चीज में रहता है उसके अंदर। मशीन हमारे पास दोस्तों दो मशीन यहाँ पे ऑलरेडी पड़ी हुई है जिसके अंदर 2023 एडवांस डिजिटल फंक्शन वाली है, और एक मशीन है 2019 मॉडल है, ओल्ड मॉडल है, ओल्ड फंक्शन वाली मशीन है। ये 2019 मॉडल है और ये हमारी मशीन है 2023 मशीन है। 2019 मशीन में क्या अपडेट हमने 2023 मशीन में किया है, ये वीडियो के अंदर हम आपको पूरी डिटेल्स देने वाले हैं। दोनों मशीन को ओपन करके कौन सा कंप्रेसर रहता है, क्या सिस्टम है, क्या फंक्शन है, ये सभी चीज़ हम आपको देते हैं दोस्तों। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों 7 इंच डिस्प्ले से, जो यहाँ पे 7 इंच डिस्प्ले दिया गया है दोस्तों, ये ओनली डिस्प्ले नहीं है, ये खाली टच पैनल नहीं है, इसके अंदर के सभी फंक्शन मशीन के अंदर इनबिल्ट रहते हैं, मशीन के अंदर सबमिट रहते हैं दोस्तों। खाली डिस्प्ले लगाने से मशीन डिजिटल नहीं हो जाती दोस्तों, खाली डिस्प्ले लगाने से मशीन में डिजिटल फंक्शन ऑटोमेटिक नहीं आ जाते दोस्तों। डिस्प्ले के साथ उसमें अंदर जो फंक्शन है, जो सिस्टम है, उसके भी इंट्रोडक्ट्स, उसके भी पार्ट्स, उसके भी सामान उसके अंदर डाले जाते हैं दोस्तों, और उसके सामान उसके अंदर होने चाहिए। जैसे कि हमारी 2019 की मशीन है और ये हमारे पास डिस्प्ले पड़ा हुआ है दोस्तों, ये 2019 की बटन वाली मशीन है। ये मशीन के अंदर मैं डिस्प्ले लगा दूंगा दोस्तों ऐसे, तो ये मशीन दोस्तों डिजिटल होने वाली नहीं है। ये मशीन के अंदर ऐसे हम डिस्प्ले यहाँ पे फ्रंट पे पैनल पे निकाल के इसको लगा सकते हैं लोग दोस्तों। ये 7 से 8 हज़ार का जो डिस्प्ले होता है दोस्तों, ये लगा के ये मशीन पूरी डिजिटल नहीं होने वाली दोस्तों। इसके अंदर उसके वो फंक्शन, वो सिस्टम, वो अटैचमेंट, वो पार्ट्स लगाने पड़ेंगे दोस्तों, तभी वो मशीन हाई प्रोडक्शन, हाई कैपेसिटी और डिजिटल स्मार्ट फंक्शन होने वाले दोस्तों। तो ये वीडियो के अंदर हम आपको वही बताना चाहते हैं दोस्तों कि सिर्फ ये डिस्प्ले लगाने से मशीन डिजिटल नहीं हो जाती है दोस्तों। जिसके अंदर दोस्तों ये मशीन और ये मशीन में फर्क क्या रहता है हमारा, ये मशीन के अंदर कंप्रेसर सिस्टम जो रहता है वो छोटा रहता है। खाली कंप्रेसर नहीं, कंप्रेसर सिस्टम पूरी छोटी रहती है, जिसकी वजह से इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी 1 घंटे में 150 टन की है। जिसके सामने इसकी कूलिंग सिस्टम, कंप्रेसर सिस्टम हैवी रहती है, जिसकी वजह से इसकी कैपेसिटी 1 घंटे में 350 टन की है। छोटी कंप्रेसर होने की वजह से ये मशीन के अंदर आप एक शॉट के अंदर अगर इकट्ठा एक साथ 10-15 ग्राहक आ जाते, कस्टमर आ जाते, तो आप नहीं दे सकते। 7-8 कौन के बाद ये मशीन दूध निकालना चालू कर देती है, मिल्क निकालना चालू कर देती है। उसके सामने ये मशीन में हैवी कूलिंग सिस्टम, हैवी कंप्रेसर सिस्टम, प्लस इसकी सिलेंडर की जो साइज रहती है, ये भी हमने बड़ी की है, इसकी भी साइज भी हमने ब्रॉड की है, जिसकी वजह से इसकी कैपेसिटी एक शॉट के अंदर इकट्ठा 50 कस्टमर भी आ जाएंगे तो आप एक साथ आइसक्रीम उसको सर्व कर सकते हैं, दे सकते हैं। सबसे पहला खासियत यह है। सेकेंड नंबर में यह मशीन में जो एयर पंप रहता है आइसक्रीम जो को जो हल्का स्मूथ और क्रीमी करता है, वो एयर पंप रहता है यह मशीन में, सादे वाला एयर पंप रहता है। यह मशीन के अंदर डिजिटल एयर पंप रहता है। डिजिटल एयर पंप क्या काम करता है दोस्तों, जो आइसक्रीम को स्मूथ और क्रीमी बनाता है। और डिजिटल एयर पंप दोस्तों आप ये डिजिटल डिस्प्ले में से उसको सेट कर सकते हैं कि कितना परसेंट आपको आइसक्रीम स्मूथ और क्रीमी निकालना है। 10% आइसक्रीम में एयर भरना है, 20% भरना है या 30% भरना है, ये डिस्प्ले में से आप इसको सेट कर सकते हैं। चलिए अभी उसकी हम आपको क्वालिटी और खासियत बता देते हैं। एग्जाम्पल तौर पे दोस्तों फ्लेवर का रेसिपी रहता है 4 लीटर दूध और 1 किलो पाउडर का कॉमन रेसिपी है, जो आप सभी जानते हो, अगर सभी कंपनी आपको बताती होगी। ये मशीन के अंदर अगर आप 4 लीटर दूध और 1 किलो पाउडर डालते हो तो आपको कौन जो निकलता है वो 80 से 85 कौन, 80 to 85 कौन निकलेंगे, जिसकी एक कौन की कॉस्टिंग अराउंडली दोस्तों आपको 8 से 8.5 रुपए की आएगी। कॉस्टिंग इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, लेकिन जो इसका आप आइसक्रीम बना के खाएंगे तो उसमें क्रिस्टल आएगा, क्योंकि ये प्रोसेसली इसमें एयर भरती नहीं है, एयर फिल नहीं करती है, आइसक्रीम झाड़ा मटेरियल निकालती है, थिक मटेरियल निकालती है, जिसमें खाने वाले बंदे को क्रिस्टल आएगा। इसी के सामने दोस्तों ये मशीन के अंदर सेम मटेरियल 4 लीटर दूध 1 किलो पाउडर आप मिक्स करेंगे तो अराउंडली
110 से 115 कोण तक निकलेंगे दोस्तों, इसलिए एक कोण का कॉस्टिंग भी आपको 6 से 6.5 में गिरेगा और आइसक्रीम का क्वालिटी भी इंप्रूवमेंट मिलेगा। लोग खड़े खड़े 2-3 कोण खा जाएंगे क्योंकि इसमें क्रिस्टल नहीं आएगा, एकदम स्मूथ और क्रीमी आइसक्रीम आएगा। तीसरा फंक्शन जो रहता है दोस्तों, इसके अंदर स्मार्ट सिक्योरिटी फंक्शन नहीं रहता है दोस्तों, इसके सामने ये मशीन के अंदर स्मार्ट सिक्योरिटी फंक्शन रहता है। स्मार्ट सिक्योरिटी फंक्शन का सीधा ताल्लुका डिस्प्ले के साथ हो जाता है दोस्तों। कल सुबह आपकी मशीन में कोई फॉल्ट होता है, जैसे कि मटेरियल कम हो गया, मटेरियल खाली हो गया, तो डिस्प्ले में अलर्ट आएगा। पावर ऊपर से ज़्यादा आ गया तो डिस्प्ले में अलर्ट आएगा। हाई वोल्टेज अलर्ट है, ऊपर से इसमें डिस्प्ले से अलर्ट आएगा। मोटर हीटिंग हो गया, बेल्ट लूज हो गया, कोई भी दिक्कत आपको आएगा उसके पहले आपको मशीन गाइड करेगी, अलर्ट करेगी, और मशीन के अंदर उसकी वीडियोग्राफी रहेगी कि उसको सोल्ड आउट कैसे करना है। जैसे आपका बिना मटेरियल, जैसे एग्जांपल तौर पे ये मशीन के अंदर आपका मटेरियल कम हो जाता है तो आपको अलर्ट नहीं मिलता है, और बिना मटेरियल पे मशीन चलेगी तो आपकी मशीन डैमेज होगी, खराब हो जाएगी, अंदर का बीटर तोड़ देगी या सिलेंडर को फाड़ देगी। उसी के सामने इसमें जब आखिरी 15 कोण बचेगा तो आपको डिस्प्ले पे अलर्ट रहेगी कि लो मिक्स अलर्ट, मटेरियल इसके अंदर आप ऐड करो। फिर भी कोई कस्टमर फुल स्पीड गिरा की ज़्यादा है देता ही रहता है, अलर्ट को नज़रअंदाज करता है दोस्तों, तो ऑटोमेटिकली जब मशीन के अंदर आखिरी 5 कोण का मटेरियल पड़ा रहेगा, ऑटोमेटिक मशीन शट डाउन हो जाएगी, पूरी मशीन बंद हो जाएगी, काम करना बंद कर देगी, सिर्फ इसका डिस्प्ले वो स्टार्ट रहेगा, और डिस्प्ले के अंदर आपको अलर्ट मिलेगा इसके अंदर दोस्तों कि आपका मटेरियल खत्म हो गया है, मटेरियल खलास हो गया है, उसकी वजह से आपकी मशीन बंद है। जब आप उसमें मटेरियल ऐड करेंगे तब आपकी मशीन फिर से चल पड़ेगी। चौथा फंक्शन है ये स्मार्ट सिक्योरिटी 7-inch डिस्प्ले मशीन है और उसके अंदर 5-inch का बटन डिस्प्ले है। ये 4/2023 के लेटेस्ट सिस्टम हमने ये मशीन के अंदर उतारे जिसके सामने ये मशीन के अंदर नहीं है। मशीन ये भी अच्छी है, हाई क्वालिटी सिस्टम, हाई फंक्शन वाली स्टील बॉडी सभी अच्छा है, लेकिन जो 2023 के एडवांटेज है, जो हाई फंक्शन है, जो लोगों का रिक्वायरमेंट है, जो हमारे से मशीन, ये मशीन जिन्होंने खरीदी है उनको जो दिक्कत प्रॉब्लम आ रही थी वो सब इम्प्रूवमेंट हमने ये मशीन के अंदर किया हुआ है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों मैं आपको ओपन मशीन बता देता हूँ। सबसे पहले दोनों मशीन को आपको ओपन करके बता दे दोस्तों, ये इसका मशीन का साइड ओपन है, ये हमारी मशीन डेमो की, इसलिए थोड़ी यहाँ पे खराब दिख रही है, बाकी मशीन को नहीं आप बॉक्स पे लेंगे तो पूरी फ्रेश और क्लीन मिलेगी आपको। ये मशीन को भी टर्न आउट कर देते हैं यहाँ पे, ये आप दोनों मशीन देख सकते हैं। वर्किंग वाइज दिखने में आपको समान लगेगी, लेकिन मैं आपको अंतर बताता हूँ कि इसमें जो एयर पंप रहता है वो सादे वाला एयर पंप है। थोड़ा जूम करके बताइए पास आके, ये वाला एयर पंप है, ये सादे वाला एयर पंप है, इसमें देखिए। उसी के सामने वो मशीन के अंदर डिजिटल गियरबॉक्स वाला पंप सिस्टम डाला हुआ है, आप देखिए ये गियरबॉक्स भी है, पंपिंग सिस्टम भी है, इसका मोटर ही है, ये डिजिटल आ रहे वाला एयर पंप है। सेकंड नंबर पे इसका जो कंप्रेसर है दोस्तों, 1 HP का कंप्रेसर है, यहाँ पे देखिए कंप्रेसर है इसका, ये भी कंप्रेसर एम्ब्राको ब्रांड का ही है, स्टैंडर्ड ब्रांड का है, लेकिन कंप्रेसर छोटा है इसलिए इसका ताकत कम है, प्रोडक्शन कम निकालता है, 1 घंटे में 150 कोनी निकालता है, 1 शॉट में 5-7 कोनी निकालता है, क्योंकि इसका कंप्रेसर छोटा है। ये कंप्रेसर तो सब में समान ही रहता है, इसको मटेरियल को ठंडा करना पड़ता है, इसलिए छोटा 1 HP का है। इसी के सामने ये मशीन का कंप्रेसर आप देखिए, साइज देखेंगे तभी मालूम हो जाएगा आपको, अगर आपको साइज नापना है तो मैं आपको मेजर टेप से इसको नाप के भी दिखाता हूँ साइज इसका। ये मशीन में कंप्रेसर आप देख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ से लेके हम नाप करेंगे, इसलिए अराउंडली 13 inch की साइज है, 13 inch का कंप्रेसर है, एम्ब्राको ब्रांड का, 1.5 HP मतलब 2.25 टन का कूलिंग कंप्रेसर दिया गया है इसके अंदर। इसी के सामने 13 inch का साइज था और इसका साइज आप देख लो, अराउंडली 9 inch का साइज है, देखिए इसका यहाँ नीचे से लेके हम नाप रहे हैं, इसको 9 inch का साइज है इसका, ये इसका कंप्रेसर सिस्टम है दोस्तों। सेकेंड नंबर में यहाँ पे इसका PCB सर्किट रहता है, उसी के साथ हमने स्मार्ट सिक्योरिटी सिस्टम इसके अंदर ऐड कर दिया है। PCB तो सब में रहता ही है, लेकिन इसके अंदर एडिशनल स्मार्ट सिक्योरिटी सिस्टम डाला है, जो इसके अंदर ओनली PCB ही रहता है, ओनली PCB ही रहेगा, स्मार्ट सिक्योरिटी फंक्शन इसके अंदर नहीं रहेगा दोस्तों। यहाँ पे एक सोलोनेट फिल्टर सिस्टम इसमें दिया गया है, देखिए यहाँ पे एक सोलोनेट फिल्टर सिस्टम है जो गैस को फिल्टरिंग और कवरिंग करके और टाइम टू टाइम उसको समय तक सिलेंडर तक पहुँचाता है। इसी के सामने इसमें ऐसा कोई सिस्टम दिया नहीं है, इसका सीधा कैपलरी नीचे उतर जाता है, देखिए सीधा कैपलरी डाउन कंप्रेसर के साथ टच हो जाता है, जो यहाँ पे इसमें कोई फिल्टर सिस्टम नहीं है। नेक्स्ट मैं आपको दोस्तों इसका दूसरी साइड का लुक घुमा के दिखाता हूँ।
इसका कंडेंसर सिस्टम देखिए, अब इसका कंडेंसर देखिए, इसका कंडेंसर देखिए, ये कूलिंग कंप्रेसर का कंडेंसर सिस्टम रहता है इसका, ये साइज देखिए इसका पूरा। इसका हम आपको आगे का फ्रंट दिखाएंगे, नाप के बताएंगे आपको, इसका फ्रंट है आगे का, ओनली 17.5 से 18 इंच का साइज है। देखिए इसका चौड़ाई है 17.5 से 18 इंच का चौड़ाई है, और हाइट देखिए आप 16 इंच का हाइट है, 18 इंच का 17.5 इंच का चौड़ाई और 16 इंच का हाइट है। इसी के सामने आप देखिए इसका, ये हो गया सीधा इसका चौड़ाई हो गया, जो 18 इंच था उसके सामने इसका चौड़ाई हो गया अराउंडली 14.5 से 15 इंच का। इसका हाइट देखिए आप 13.5 इंच का हाइट हो गया इसका, देखिए प्लस इसके अंदर भी रोड रहता है, जो ये रोड रहता है ये डोर डबल रोड का है, देखिए पूरा एक और दो रोड है यहाँ पे, वन और टू लाइन है। इसी के सामने इसके अंदर जो रोड दिए गए अराउंडली 3 रोड का दिया गया, यहाँ पे खुलेगा नहीं लेकिन थोड़ा बताइए, ये देखिए 1, 2 और 3 रोड का है, 1, 2 और 3 रोड का कॉपर का रोड डाला हुआ है इसके अंदर। तो इस तरह का दोस्तों एडवांटेज रहता है लेटेस्ट मशीन डिजिटल मशीन के अंदर, और टोटली मशीन आपको इंट्रोडक्शन देती है, डिजिटल मशीन जो रहती है ये टोटली इंट्रोडक्शन आपको देती है। मैं आपको एक बार डिस्प्ले के फंक्शन भी आपको बता देता हूँ। सबसे पहले देखिए आप यहाँ पे वॉश बटन है, आपको मशीन धोना है साफ सफाई करना है तो वॉश बटन पे आप दे सकते हो, क्लिक कर सकते हो, आइसक्रीम जमाना है तो फ्रिज बटन है, नाइट मोड पे आप लगा सकते हो, मशीन के बारे में कुछ जानना है, मशीन कैसे चलती है, कैसे मटेरियल बनाया जाता है, कल सुबह फॉल्ट आया तो कैसे सोल्ड किया जाता है, यहाँ पे थोड़ा टोटली इंट्रोडक्शन है। सेटिंग में आप जाके पासवर्ड प्रोटेक्शन से आपका टोटली सेटिंग कर सकते हो कि आपको हार्डनेस आइसक्रीम कितना कड़क चाहिए, कितना सॉफ्ट चाहिए, आइसक्रीम में एयर कितना फील करना है, मशीन में से कितना आइसक्रीम निकलना बाकी है, मशीन में से ऑलरेडी कितना आइसक्रीम निकला है, कितना स्पीड से मोटर घूम रही है, कंप्रेसर का कितना वर्क कर रहा है, आपकी मशीन ने बिजली पावर कितना खाया है। अभी तक आपने सुबह से 3-4 घंटा आपने मशीन चलाया तो आपकी मशीन ने कितना यूनिट पावर खाया है, ये भी आपको मशीन इंट्रोडक्ट करके दिखाएगी। मशीन में एक बार आप फ्रीज का बटन दबाएंगे इसलिए टोटली आपको वर्किंग सिचुएशन मशीन बताएगी, वर्किंग पोजीशन आपको मशीन बताएगी कि कितना डिग्री सेल्सियस है, 30 सेल्सियस टेम्परेचर है इसका, इसका 31 का सेल्सियस है, कितना परसेंट आइसक्रीम बना हुआ है क्योंकि अभी मटेरियल नहीं है इसलिए 27% ही बता रहा है, सिलेंडर में कितना मटेरियल है, 0 मटेरियल दिखा रहा है यहाँ पे, देखिए टॉप खाली है मटेरियल का, यहाँ पे एक बार क्लिक करने से कितना कौन मशीन में से निकला है, आउटलेट पीस 11 कौन मशीन में से निकला है, ऊपर से वोल्टेज पावर कितना आ रहा है, 240 का पावर आ रहा है ऊपर से, कितना स्पीड से मोटर घूम रही है, टोटली इंट्रोडक्शन ये मशीन देगी क्योंकि मशीन के अंदर उसके अटैचमेंट और उसके सिस्टम फंक्शन हमने डाले हुए हैं दोस्तों। और इससे भी अगर आपको और सस्ती मशीन चाहिए दोस्तों, इससे भी अगर और सस्ती मशीन चाहिए तो आप इस तरह का कंप्रेसर यूज कर सकते हो, चाइनीज कंप्रेसर, रोटरी कंप्रेसर आता है दोस्तों, जो एयर कंडीशन में लगा रहता है ये रोटरी कंप्रेसर है, इस तरह का आप कंप्रेसर है, इसकी जगह इस तरह का कंप्रेसर लगाएंगे तो मशीन में और कॉस्टिंग गिर जाएगा और डाउन हो जाएगी, क्योंकि ये कंप्रेसर है एसी का कंप्रेसर, जो एयर कंडीशन रहते हैं उसका कंप्रेसर है, जिसका काम सिर्फ ठंडा पवन एयर देना है, जिसका काम फ्रिज बर्फ बनाना नहीं है, आइस बनाना नहीं है, तो ये कंप्रेसर की कीमत अराउंडली 4 से 5 हज़ार की है, जिसके सामने ये कंप्रेसर की कीमत अराउंडली 15 से 17 हज़ार रुपये की कीमत है, खाली कंप्रेसर के अंदर इतना प्राइस डिफरेंट है। उसी के सामने ये कंप्रेसर के सामने आप हेवी कंप्रेसर रहते हो तो जिसकी कीमत 25 से 27 हज़ार रुपया खाली कंप्रेसर की कीमत है दोस्तों। तो इस तरह की ज़्यादा डिटेल मशीन की डिटेल जानकारी इसके अंदर हमारे पास बहुत सारे मॉडल्स है, सिंगल फ्लेवर 2+1 टेबल टॉप है, 2+1 फ्लोर है और 2+1 रेम्बो मॉडल है, ये 4 मॉडल 2023 में हमारे पास है। ओल्ड मॉडल चाहिए तो भी हमारे पास मिल जाएंगे, ये मॉडल चाहिए तो भी हमारे पास मिल जाएंगे। वीडियो बनाने का कारण यही था दोस्तों कि आप यहाँ पे आ नहीं सकते और हम आपको बाय टेलीफोनिकली ये चीज़ समझा नहीं सकते, इसलिए हमने वीडियो में आपको टोटली मशीन को ओपन करके कि अगर आपको कोई मशीन लेनी है तो मशीन कैसे लेनी चाहिए, क्या देख के लेनी चाहिए मशीन, अगर आप कहीं से परचेस कर रहे हो तो उनके आप इस तरह से वीडियो मंगा के उनसे कंपेयर कर सकते हैं कि उन्होंने कौन सी क्वालिटी डाला है, क्या फंक्शन डाला है, क्या सिस्टम डाला है, तो कंपेरिविजन आप कर सकते हैं। तो ज़्यादा डिटेल ज़्यादा जानकारी के लिए दोस्तों दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके हर एक डिटेल जानकारी फंक्शन ले सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग डॉल्फिन अप्लायंस।